गुड मॉर्निंग दर्शकों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द कृष्णा व्लॉग्स में और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोग इस बार सैन डिएगो के लिए निकले और दिस इज़ द सेकंड जो था हमारे चेकलिस्ट में लास्ट टाइम, जो मैं नहीं जा पाया था उस टाइम पे, तो ये अब हम लोग निकल रहे हैं। और इस बार हमारे साथ हमारे को ट्रैवलर हैं ये आशीष। रुको एक सेकेंड, नज़दीक जाना पड़ेगा। आशीष है, अरविंद जी है, ये अरविंद जी, अरविंद जी वापस देखो एक बार। हाँ, और ये अक्षय। बस निकलते हैं, थोड़ा लेट होगा यहाँ से निकलते निकलते, खैर कोई बात नहीं, बट अभी निकलते हैं और चलते हैं। ऑलमोस्ट 50 माइल हमने माइल्स क्रॉस कर लिया है और शहर ऑलमोस्ट यहाँ से सैन डिएगो अभी 25 माइल्स दूर है और यहाँ पे ट्रैफिक एक नंबर ही। तो खैर थोड़ा सा मूव होने लगा है लेकिन बहुत लंबा ट्रैफिक होने वाला है। अभी देखते हैं कितना टाइम हम लोग का ये एड ऑन करता है पहुँचने में। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है गाड़ियाँ। आज के दिन का हमारा पहला पॉइंट है यहाँ जहाँ पे हम लोग आए हैं, ये है ब्लैक्स बीच करके। और ये मुझे नहीं पता था यहाँ पे, एक्चुअली मैं तो बीच कंसिडर करके निकला था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पैराग्लाइडर्स हैं, यहाँ पे इनके फ्लाइंग स्कूल है जैसे लोग जाते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन चालू है अभी। मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लाई करते, थोड़ा उड़ के जाते हैं उतना मतलब इस समंदर में, वहाँ से थोड़ा यहाँ से फ्लाई करेगा, थोड़ा घूम के उधर से उस दिशा में आके वापस से लैंड कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं अगर कोई दिखता है, जैसे वो शायद फ्लाई करने वाला है, वो ट्राई करेगा वहाँ से, देखते हैं। रुको, और चलो इस भाई ने भी अपना टेक ऑफ लेना स्टार्ट किया और ये रन करेगा, एक नंबर भाई। ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, लेकिन एक बार टिकाएगा पैर शायद नहीं, ये अच्छा ये उतार लिया। तो ऊपर से हम लोग ये नीचे की तरफ उतर रहे थे तो देखिए मुझे क्या मिले यहाँ पे, ये देखिए। अभी बोले इनको आता तो नहीं है बट ये लोग बोले ट्राई कर रहे, सोचो हारमोनियम मिल गया यहाँ पे, हद होती है यार, कह नहीं सकते कहाँ क्या मिल जाए आपको। इन्होंने एक्चुअली पूछा मुझे तुमको आता है कि बोला अपने को तो आता नहीं है कुछ, बोलते मैं भी आई एम जस्ट मसिंग अराउंड, बोलते मैं भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बात तो ये है कि चल हारमोनियम कर रहा है। और इधर देखिए अभी हम लोग ऐसा उतर के नीचे जा रहे हैं, वो जो यहाँ पे ऊपर वो ट्रेनिंग स्कूल चालू है वो है, जैसे वो ये मैं ऊपर खापड़ रास्ता पार करके इस तरफ हम लोग जा रहे थे बीच की तरफ, और ये देखो यहाँ पर ये संकरा रास्ता है जो ये सीधा नीचे की तरफ जाता है, ये भी बहुत सही है। देखता हूँ और मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, एक बार ऊपर पहुँच जाओ। ये देखो यहाँ पे लिखा अनस्टेबल क्लिफ स्टे बैक, मतलब ये पहली बार हुआ है, मतलब एकदम बीच पे तो गए हैं कई बार लेकिन ऐसा क्लिफ वाला बीच ये एक्सपीरियंस पहली बार ले रहे हैं। मतलब इंडिया में भी नहीं गया हूँ, हाँ नहीं गया, वहाँ पे भी कभी नहीं गया हूँ मैं ऐसा कि जहाँ से क्लिफ से अपन को नीचे समंदर दिखे। ये देखिए कितना सुंदर, और यहाँ से एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कितना गहरा था, लेकिन यहाँ पे नीचे लोग दिख रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे से यार, बहुत हाइट पे हम लोग। बहुत सही चल रहा है मामला अभी तक तो, काफ़ी बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ लाने के लिए अक्षय। ठीक है, तो हम लोग पहुँचते हैं पार्किंग पे, गाड़ी लेते हैं अपनी और निकलते हैं अगले पॉइंट के लिए। और हम लोग पहुँच गए हैं ला होया बीच पे। अब बोलने में इतनी देरी क्यों हुई, क्योंकि इसका स्पेलिंग इसकी बिल्कुल अलग है और नाम इसका बिल्कुल अलग है। ऑलमोस्ट हम लोग को आधा घंटा हो गया होगा ना, आधा घंटा हो गया हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और पार्किंग ढूंढने के चक्कर में इस पूरा जो ये जगह है इसके दो तीन राउंड मार चुके हैं हम। ऑलमोस्ट 45 मिनट की मशक्कत के बाद हमको एक मिली है गाड़ी, यहाँ पे पार्क कर दिया हमने, एक जगह मिली, एक बड़ी गाड़ी वाला था वो निकल रहा था, इशारा किया कि रुक जाओ हम लोग निकल रहे हैं करके। और क्या सही जगह है, मतलब हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना काफ़ी आगे निकल गए थे, हमको टेंशन आया कि चल के आना पड़ेगा वापस से, लेकिन है जहाँ से स्टार्ट करना था हम लोग वहीं पर आ गए। और ये देखो क्या सीन है यार, ये बहुत सुंदर है, लहरे आ रही, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और ये पूरा एंड तक उतर है, और उस साइड में देखो वहाँ पे वो बीच दिख रहा है, वहाँ पे नीचे शायद लोग उतरे हुए हैं नीचे वहाँ से, बहुत अच्छा है ये। और वहाँ ऊपर से उतर के हम लोग नीचे आ गए हैं बीच के करीब, जो मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको कि जहाँ पर बर्ड्स वगैरह बैठे हुए थे। तो ये देखिए अरे ऑलमोस्ट कितने नज़दीक पहुँच चुके हैं यहाँ से, और यहाँ पर ये पूरा एक बनाया हुआ है, यहाँ से वहाँ तक आप इतना तो चल के जा सकते हो। मतलब पीछे चलते हैं, घूमते हैं थोड़ी बहुत यहीं पर, भीड़ अच्छी बात है कि भीड़ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो आपको रुके पर कहीं भी किसी भी कोने पर रुक के फोटो वोटो तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट। बहुत ये काफ़ी अच्छा, गर्मी है लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो वो इतना इरिटेटिंग नहीं लग रहा है। वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो देखा सामने, उस सील से शायद वहाँ पर आराम कर रही है, काफ़ी रिलैक्सिंग तरीके से आराम किया जा रहा है वहाँ पर, वो खुजा रही है कुछ तो, एकदम उल्टी लेटी हुई है, एक इधर उधर देख रहे हैं। और देखिए कितना सही है ये, और ऐसी जगह पे भीड़ कम मिले तो बड़ा मज़ा आता है, और वहाँ पे वो सीन भी उनके साथ भी फ़ोटो निकाले, और मैं आराम से उल्टा चल सकता हूँ उल्टा चलने के कारण, क्योंकि सूरज सामने, बहुत सही लग रहा है यार ये देखिए।
तो ऊपर पिक्स लेने के बाद हम लोग यहाँ नीचे आ गए बीच की तरफ। तो देखिए अकेले पीछे की साइड में भी था लेकिन हम लोग उधर नहीं गए। ठीक है, ये अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा कम लोग हैं और थोड़ा साफ़ सुथरा भी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही सही है। इधर देखो, पीछे देखो, अपन पास में सही है यार, ये बनाया हुआ अच्छा है। ऊपर आराम से, जिसको नीचे नहीं आना है वो ऊपर जा सकता है, जिसको नीचे आके खेलना है बच्चों के साथ वो यहाँ आ सकता है। कोई सन बात ले रहे हैं, कोई टैन हो रहा है, अपन ज़बरदस्ती ऐसे टैन हो जाते हैं, ये लोग तो होते ही नहीं है, ज़बरदस्ती आते हैं यहाँ पर टैन होने के लिए। चलते हैं अगले पॉइंट के। ओके, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वहाँ से हम लोग यहाँ पे बलबोआ पार्क पहुँचे हैं और हमने पहले खाना वाना सब ले लिया। एक्चुअली थोड़ा सा खाना खा लेते, भूखने लगी। अराउंड कितना टाइम हो गया, 3:45 बजने को आ गया। तो और यहाँ पे देखने जाए ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ तो कॉन्सर्ट चल रहा है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा है। तो और ये एकदम जिनका आर्किटेक्चर है एकदम यूरोपियन टाइप का, तो उस साइड ज़्यादा कुछ अच्छा है, तो वहाँ चलेंगे तब मैं दिखाता हूँ आपको। खैर तब तक उससे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं एक बार। जहाँ पर खाना खा रहे थे हम लोग ने खाना तो खाया पेट भर के घर से। एक्चुअली मैं बिरयानी लेके आया था, खाना वाला मस्त खाया। और उसके बाद वहाँ से जब पीछे पलट के देखे ना, तो ये गाड़ियाँ मतलब ये देखिए, एक्सप्लेन तो मैं कर ही नहीं सकता इसको। ये रेड वाली, ये सब आई थिंक शूटिंग वगैरह के लिए है। एक तो वो उसको तो उल्टा करके पीछे से उठा रखा है बहुत से। और ये पीछे अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ, सेकंड, क्या बवाल चीज़ है यार ये। ये कोई चीज़ है यार, एक नंबर। और ऐसी पड़ी आएगी सिर्फ फोटो शूट वगैरह के लिए। और ये इस तरफ से अच्छी लाइट नहीं है, क्या सही चीज़ है यार। अंदर से जाके देखें, बहुत सही है। और आगे और एक ये देखें ब्रांड, पता नहीं बढ़ी है क्या गाड़ी है, एक नंबर। और ये देखें, सो ग्राउंड क्लियरेंस तो है ही नहीं। अरे एडिडास है ऐसा, हाँ कैसे ऐसी फ़ोटोशूट चलो यहाँ पर कुछ तो इनका। ये तो यार नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ऐसा तो गाड़ी मूवीज़ में देखने को मिली है। इस बार सब ऐसे ही हो रहा है, जो जो मूवी में देखने को मिला वही देख रहे हैं इस बार, बहुत सही है। और जहाँ वो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी उससे थोड़ा सा आगे निकले, मतलब एक स्ट्रीट है, मतलब मुझे लगा एक दो स्टॉल है वहाँ पर ना, मेहंदी वहंदी लगाने के स्टॉल हैं। फिर एक ये दिखा मुझे यार, फिर देखो यहाँ पर ये कार्टून बना रहा है उसके बाद यहाँ पर ये पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन, और वहाँ पर वो म्यूज़िक चल रहा है। और ये एंड तक यार, वहाँ जहाँ तक फुमा रहा है वहाँ तक है। ये मेहंदी वाला भी अच्छा है, एक वहाँ पे एक स्टॉल लगा है छोटा सा, और वो कुछ पुराना आर्किटेक्चर लग रहा है। ये देखो वहीं पे चल रहा है ना, इस तरफ नहीं चला, इस तरफ। ओके, और यहाँ वहाँ जाओ, यहाँ म्यूजिक चल रहा है। चल भाई थोड़ा सा आगे, ये नहीं चलेगा गाड़ी। ओ क्या लैंडिंग है, क्या लैंडिंग है, बहुत सही है। ये पार्क जैसा है एक्चुअली यहाँ पे, मतलब ये हेरिटेज वगैरह जैसा भी है। वहाँ पे कोई म्यूज़ियम भी है इनका, मस्त है, शांति है, कुछ ज़्यादा धमा चौकड़ी नहीं है। मतलब एक्चुअली है तो अपन यूएस में, लेकिन पूरा है ना रोमन साम्राज्य वाला फील आ रहा है। मतलब मेरे पीछे देखिए, मैं घुमाता हूँ कैमरा, वो देखिए, ये देखिए, इधर पीछे देखिए, ऊपर कौन सी होता है ये तो नहीं पता, वहाँ देखिए, वो सामने, बहुत सही ऐसा एकदम फुली तो रोमन साम्राज्य वाला फील दिया इन्होंने यहाँ पर। और उधर वो जो दूर है वहाँ ऑडिटोरियम दिख रहा है शायद, अगर दिखता हो। और सब वैसा का वैसा है, इस तरफ पीछे सब वैसा बनाया हुआ है। ये पार्क ही इन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि क्या, बट है मस्त है, देखने लायक है। फोटो जानी करिए, हमें फोटो सेशन बहुत सारे चल रहे हैं। तो ठीक है, ये तो घूम लिया अपन ने पार्क पूरा, अभी अपन आ गया पार्किंग लॉट में। और पार्किंग लॉट तो यहाँ का, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ शायद ये कुछ भी ना हो, यहाँ पे पार्किंग का सीन बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब जितनी जगह की प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज़्यादा बड़ी तो पार्किंग की जगह होनी चाहिए ऑलमोस्ट, वैसा सीन है। तो चलो गाड़ी तो निकल गई है, अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई गेस दो जगह और हमको आज में घूमना है, 4 बज चुकी है, अराउंड 4:15 बज चुकी हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं हम अगले पॉइंट के लिए। ओके, तो वहाँ से निकल के हम लोग ऑलमोस्ट 25 मिनट के ड्राइव था, और हम लोग अभी आए हैं बे व्यू पॉइंट के ऊपर। तो ये बहुत ही सुंदर है यार, और ये देखिए, और हम लोग आगे एक्चुअली वो ब्रिज है दिख रहा है आपको वहाँ से, तो हम लोग उस साइड से कहीं से ऐसा पूरा ऑल द वे ट्रैवल कर इस तरफ आए। और ये देखिए इसको कितना सुंदर है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है अब तो। हल्की हल्की सी धूप लग रही है लेकिन हवा भी चल रही है, काफ़ी ठीक लग रहा है। और ये बच्चों के खेलने के पार्क है वहाँ पर, ये खाने वाने का है, लोग यहाँ पे ये अपने साथ लाते हैं टेंट वगैरह, चेयर वगैरह ऐसे लेके आते हैं। और ये पूरे से पूरा सैन डिएगो शहर दिखता है यहाँ से, पूरा का पूरा दिख रहा है। वहाँ पर वो बड़ी कंटेनर वाली शिप पड़ी है वहाँ पर, और इधर छोटी छोटी बोट्स हैं यहाँ पे, बीच में कोई अकेला
बोटिंग कर रही है एक लड़की है वहाँ पे, बीच में छोटी सी बोट और है वहाँ पे भी है, एक वहाँ पे भी है, बहुत से इधर पीछे शायद सिखा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, बहुत ही सही हो गया है। अभी शाम हो गई इसके लिए अभी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, नहीं तो दिन भर थोड़ी घर में थी तो थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी सही लग रहा है। चलो खैर अभी यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि हमको एक सनसेट पॉइंट है उसके लिए जाना है, तो अराउंड 5 बजे आधा घंटा शायद यहाँ पे रुकेंगे, देखते हैं आधा घंटा रुकने जैसा है तो नहीं तो फिर चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, तब तक हम यहाँ का आनंद लेते हैं। यार जाने अनजाने में इस जगह पर आएँ, लेकिन ये जगह है बहुत अच्छी। अब जैसे पीछे ये सब है, यहाँ पे देखें इधर ये बड़े बच्चे जो भी हैं खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, इधर पिकनिक चल रही है, इधर पार्क है पीछे, बहुत सही है। मुझे नहीं पता कि अपने वहाँ पे ऐसी जगह कहाँ है, बट अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत सही है। घास ग्राउंड एकदम प्लेन तो नहीं है बट एक नंबर है, बहुत सही। फैमिलीज इंजॉय कर रही है, कुछ अपना खाना वाना भी लेके आए हुए हैं, खेल रहे हैं लोग, बहुत सही है यार, ये ऐसा होना चाहिए छोटे छोटे शहरों में भी। तो हम लोग वो बे एरिया से निकले हैं यहाँ पर सनसेट पॉइंट के लिए। लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं सनसेट पॉइंट के लिए निकला था सेंटा मोनिका का, तो वो हम लोग का मिस हो गया था क्योंकि बादल की वजह से, लेकिन ये जगह तो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी कि ऐसी होगी यार, इतनी सुंदर है ये जगह, बहुत सही है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो और ये, ओहो डर लग रहा है, ये इतना सा नज़दीकी है बस, और ये सामने देखिए और वहाँ लोग बैठे हैं। आगे तक चलेंगे अपन, आगे तक तो जाना ही है, बट ये देखो ये पार्किंग है और इन लोगों के घर के व्यूज़ क्या बोल सकते हैं इनको यार। अब देखिए गाड़ियाँ यहाँ पे देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ सब एक ज़बरदस्त सब यहाँ पे पार्क की। और एक बंदा था यार वहाँ पे दूर कहीं बैठा है वो, वहाँ पे उसने ऐसे गाड़ी उस साइड में पार्क लगाई है, उसके अपनी चेयर लगाई और वहाँ आराम से ओढ़ बिड़ के बैठा है वो, यहाँ ऐसा अपन बिछा के बैठ सकते हैं। और वो देखिए आगे क्या व्यू है यार, दोस्तों इससे अच्छा सनसेट मैंने आज तक देखा नहीं है, मतलब कभी भी नहीं, मतलब जो बहुत खूबसूरत यार, मतलब ऐसा लगा कि दिन जो पूरा दिन डाला ना हमने आज, वो पूरा का पूरा वसूल हो गया यहाँ पे आके, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इतना रिलीफ। सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन कोई बातें नहीं हो रही है, बस चुपचाप देख रहे हैं इस जगह को, ऐसा बोलते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं अपन उस मोमेंट को, वही चल रहा था आज। बहुत सुपर लगा यार ये, बहुत सही। तो ठीक है, तो आज दिन भी ख़त्म हो गया और ब्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ गया है, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। तब तक मैं आपको इस खूबसूरत नज़ारे के साथ छोड़े जाता हूँ।